To the first chapter, that is operating system overview. In this, there's a basic concept like operating system ke objectives and functions, and then evolution, then design, और बहुत सी छोटी छोटी चीजें, उसके आर्किटेक्चर, ऐसे सारी मिसलेनियस चीजें. ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी आस्क यू पीपल दैट व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो एनी आंसर विल बी अप्रिशिएटेड. व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, एनीवन प्लीज. I think someone was answering, but I interrupted him. Sir, interface between user and computer. Okay, very good. It's a very, to the point definition, or we can say explanation of operating system. I think you are from a diploma. No, sir. Okay, very good. No doubt. So basically, I can say this, operating system is the interface between the interface between user and your computer system. So basically, acha, anyone else? ये तो एकदम एकदम accurate answer है. ठीक है, तो one answer is very okay. कोई issue नहीं. और कोई कुछ बोलना चाहता है operating system के बारे में? You have anything in your mind you want to speak and you want to express? A program to run the hardware machine. Program to run the hardware machine. Okay, good. Good try. Anyone else? The purpose of asking this particular question to all of you is that you should speak, okay? Whatever is there in your mind. Mere saath mein bhi hota tha aisa. When I was in college, when I was in school, so I was having, answer of that particular question which has been asked by the teacher. बट वो दिमाग में रख लेते थे और वो अंदर ही अंदर रख लेते, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली स्पीक इन फ्रंट ऑफ द टीचर, या फिर सबके सामने वो बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे हेजिटेशन होता है. तो जस्ट डोंट लाइक दैट. इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड विच आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए, देन यू कैन इजिली शेयर. ओके, सो व्हेनेवर आई आस्क सच क्वेश्चन, सो यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन आंसर, यू कैन कमेंट, यू कैन पुट योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, नॉट एन इश्यू. ओके, सो Nadav has told that it's a interface between the operating, it is the interface between the user and the computer system. Okay, so this is my computer system. Okay, so this is very very common thing, and actually if you try to understand the explanation or the real concept behind this operating system, so aapko ye samajh mein aayega ki agar user computer system ko agar access karna chahta hai, देन वो कीबोर्ड प्रेस करेगा. ठीक है, तो कीबोर्ड प्रेस करेगा. अब वो कीबोर्ड प्रेस करने के बाद में अंदर हो क्या, अंदर अंदर होगा क्या, या फिर अगर माउस यूज करता है, या अगर कभी टच पैड यूज करता है तो क्या होगा. ठीक है, और अगर कुछ कुछ प्रोग्राम्स अगर ओपन करता है तो क्या होगा. ठीक है, तो बीच में कोई ना कोई लेयर ऐसी होनी चाहिए, बीच में कोई इंटरफेस, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि इन सारी एक्टिविटीज को कैच करे, उसको परफॉर्म करे और उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट मुझे प्रेजेंट करे. ठीक है, तो बेसिकली आई कैन से वी हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम हु इज डूइंग ऑल दिस टास्क. ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा यूजर और ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, इन दोनों के बीच में इट इज एक्टिंग एज द इंटरफेस. एंड इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली इट्स अ इंटरमीडियरी थिंग, इट्स इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म वेयर बोथ द पार्टीज आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक ऐसा मात्र कंपोनेंट है जो कि आपके यूजर को और आपके कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन बिटवीन, देन वॉट वी कैन डू, वी कैन जस्ट प्रेस द बटन. इट्स ओके, वी कैन प्रेस द बटन. ऐसा नहीं कि बटन भी प्रेस नहीं होगा, बटन प्रेस होगा लेकिन उससे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा. आप टच पैड पे टच आपके आपके माउस को होवर करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा. आपने कुछ प्रोग्राम ओपन करना चाहेंगे लेकिन नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्रीन आ रही है लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप, बिकॉज उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं. तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर, द पर्सन हु इज यूजिंग द कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर सिस्टम को जो यूज कर रहा है, उन दोनों के बीच में इट इज एक्टिंग एज द इंटरफेस. ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरफेस है, ऐसे आगे चल के और भी इंटरफेसेस आएंगे जो दो चीजों के बीच में काम करते हैं. ओके,
Someone from your side can give an example of interface, any other interface which you have ever gone through? दो लिनक्स चीजों की, पार्डन, हम बोलते बोलते रुक गए, बोलिए। सर लिनक्स लिनक्स, लिनक्स इज अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई जस्ट एक्चुअली आई जस्ट, एप्लीकेशन हाँ बोलो, जो होते हैं वो भी सर इंटरफेस बोल सकते हैं। इंटरफेस बोल सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। सर अब एंड्रॉइड वगैरह एंड्रॉइड, डिफरेंट ऑपरेटिंग एंड्रॉइड सिस्टम। इज अगेन, हाँ यस या यू नो द नेम विच यू आर गिविंग, सो ऑल दीज आर नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। द लिनक्स वन इज अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आपका एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस की मैं आपको एक इन जनरल थोड़ा मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके घर में फैन है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी यू नो नेम एग्जाम्पल टू यू। हमारे घर में फैन है, तो फैन को आप कैसे चलाएंगे? हाथ से चलाएंगे, ऐसे ऐसे घुमा के। यू नीड सम बाय काइंड ऑफ प्रेसिंग द बटन इलेक्ट्रिसिटी, यस एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द फैन, ठीक है। द कनेक्शन इज ऑलरेडी मेड, ओके। बट व्हाट वी वांट सम काइंड ऑफ इंटरफेस, वी वांट सम काइंड ऑफ पैनल सो दैट वी कैन स्टार्ट द फैन, वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ फैन, एंड देन वी कैन, मतलब इट मींस वी कैन रेगुलेट इट, एंड देन वी कैन स्विच इट ऑफ, ओके। सो वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ इंटरफेस इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट हार्डवेयर, दैट्स ऑल, ओके। यू हैव ओवन एट योर होम, ठीक है। इट्स अ होम अप्लायंस, आई थिंक ऑल हैव गॉन थ्रू। वो मैंने नहीं देखा, मैंने यूज नहीं किया कभी, हो सकता है आप लोगों ने यूज किया हो। सो ओवन इट्स अ यू नो वेरी कॉमन। तो ओवन जो होता है, तो ओवन के अंदर आप ऐसे ही अंदर अंदर प्लेट ऐसे ले जाके और बोलेंगे चल हो जा भी, और अंदर से रखेंगे नहीं। वहां पर भी कुछ इंटरफेस, वहां पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चीजें रख सकते हैं, और उसको बोलेंगे कि स्टार्ट हो जा सिम सिम, तो वो स्टार्ट हो जाएगा नहीं। सो वी नीड सम काइंड ऑफ इंटरफेस, ओके, सो दैट वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, वी कैन स्टार्ट द ओवन, वी कैन स्टॉप द ओवन, वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ऑल दैट, ओके। सो दीज ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिंग एज इंटरफेस, ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिंग एज एन इंटरफेस, सो दैट यूजर, मतलब मैं, कैन कंट्रोल द हार्डवेयर लाइक फैन, लाइक ओवन, ओके, एंड लाइक अदर थिंग्स ऑल्सो। आपके पास में कार है, ठीक है। अब कार है तो कार को ऐसे बोलेंगे खाली कि चल स्टार्ट हो जा, नहीं। आपके उसके लिए उसने कुछ इंटरफेस प्रोवाइड किया है, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेस दे हैव प्रोवाइडेड? दे हैव गिवन यू स्टीयरिंग, ओके, एंड दे हैव गिवन सम यू नो एबीसी लाइक एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड क्लच, यू नो ऑल ऑल दीस थिंग्स हैव बीन गिवन सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर मशीन जो कि कार है। आप यूजर हो और आपकी कार हार्डवेयर है, दोनों के बीच में इंटरफेस और इंटरेक्शन के लिए कुछ इंटरफेस दिया है, एंड दैट इंटरफेस इज नथिंग बट द एबीसी, दैट इज एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड क्लच, एंड योर स्टीयरिंग एंड योर हॉर्न एंड ऑल 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 दैट। सो जस्ट ट्राइंग टू यू नो लेट यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द इंटरफेस एक्ट, ओके, हाउ दिस पर्टिकुलर इंटरफेस है। एट डिफरेंट लेवल योर इंटरफेस इज वर्किंग। एक्चुअली यू विल बी लर्निंग इन 8 semester। We have one subject that is human machine interaction, that is also under my mine only, because अभी फाइनल ईयर को मैं ही ले रहा हूँ, लास्ट 2-3 साल से मैं ले रहा हूँ। सो इन दैट यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इंटरफेस इंटरैक्शन, हाउ द मशीन विल इंटरैक्ट, सो वॉट काइंड ऑफ थिंग यू नीड इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द मशीन, यूजर और मशीन के बीच में इंटरेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पढ़ने वाले। सो आई वॉज इज गिविंग द एग्जाम्पल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन, ओके। आई होप दिस इज द स्मॉल यू नो एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर थोड़ा रोल डिफरेंट है, बट स्टिल इन जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस कॉन्सेप्ट आई हैव गिवन सम ऑफ द एग्जाम्पल। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन प्लीज लेट मी नो। यस 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 नो, यस नहीं समझा तो बोलो। यस सर, यस सर। सर इंटरफेस को एक्सटर्नल भी बोल सकते हो? इंटरफेस को एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या? एक्सटर्नल के आगे कुछ और आपको लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इज समथिंग लाइक विच इज एक्सटर्नली यू नो प्रेजेंट। इंटरनल इज समथिंग जैसे लाइक, फिर सर साइंस में बोलते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स लगा के मतलब वो पुश हो रहा था,
अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं आप, हाँ नहीं तो फोर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इसका हाँ, मैं इंटरफेस को समझा हम रहा हूँ। एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। देखो इन सम ऑफ द एग्जांपल आई थिंक उसको बोल भी सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो फुलफिल हो जाए, बट नॉट इन ऑल द केसेस, बिकॉज इंटरफेस इज वन यू नो वर्ड, और वी कैन से एंटिटी जो मतलब जिसका कंपैरिजन आई थिंक कोई दूसरा वर्ड करना मुश्किल है, बिकॉज इंटरफेस एक खुद एक ऐसा वर्ड है जो कि दो चीजों के बीच में काम करता है, एंड एक्सटर्नल इज द एंटिटी, एक्सटर्नल इज द वर्ड विच इज एक्टिंग एट वन साइड। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सटर्नली बाहर से फोर्स लगाया, ये जो आप जो आप बोल रहे थे, या इसको मैंने यस इसको मैं इंडिविजुअली उठाया। बट इंटरफेस अगर बात करेंगे तो इंटरफेस यहाँ पर दो पार्टी के बीच में काम करेगा, ओके? तो दो पार्टी के सर, बीच में जो चीज आ जाएंगी वहां पर वो आपका इंटरफेस कहलाएगा। तो कहीं कहीं पर हो सकता है फिट भी हो जाए, कहीं पर नहीं भी फिट हो सकता है, हो सकता है। ओके, सो दिस इट वाज जस्ट अ सिंपल यू नो डेफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं, हमारी कॉमन डेफिनेशन है, इट इज एन इंटरफेस विच एक्ट विच यू नो इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी शो यू, बिकॉज मुझे मेरा कंटेंट एक्चुअली मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको जस्ट आज थोड़ा बेसिक बेसिक ही बता दूंगा, देन विल गो थ्रू द पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है? बिकॉज इन एग्जामिनेशन वेन यू विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, देन यू नीड सम पॉइंट, एंड एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू सम पॉइंट्स, ओके? बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन इजिली राइट डाउन द, यू कैन इलाबरेट दोस पॉइंट्स एंड यू कैन राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके? दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। लेट मी सी वंस अगेन, यहाँ पर है नहीं एक्चुअली। आई हैव प्रिपेयर्ड सम ऑफ द स्लाइड इन ऑर्डर दैट थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए सपोर्ट मिले, बट लेटर आई थॉट दैट कि आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, बट स्टिल एटलीस्ट वी कैन गो थ्रू दिस सिलेबस, वी कैन गो थ्रू दिस पॉइंट, कि कुछ स्लाइड्स मैंने लास्ट टाइम बनाया था। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द यू नो ऑपरेटिंग रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी हैव इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। It also controls the execution of application program. Like I told you that we are having a lot of application program. Like we open my computer, ठीक है? So my computer is also one program, ठीक है? You open MS Office, okay? MS Office में आपने MS Word open किया, so that's an application program, ठीक है? So your operating system also controls the execution. No, देखो, because whenever a program is being executed, when you double click on any of the application like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, या MS Paint, okay? Whichever application program is it, okay? It is. So the execution right from start to the end, it control the execution. ठीक है, आपका operating system ही उसको manage करता है. So we came to know that one more thing about operating system. After that, OS is also called as a resource manager because आपका operating system ही एक ऐसा मात्र component है, एक ऐसा software है जो कि आपके application program को as and when they are required, so it provide all kind of resource. For example, आपने VLC player open किया, ठीक है? After opening the VLC player, you want to open any movie, okay? You want to open any video file, okay? So for opening that video file, when you will go to the open video file and then you go to the hard disk, it will show you the C drive, D drive, E drive, whatever, okay? अब वहां जाके आपने आपने जाके अपनी अपनी मन पसंद जो भी वीडियो फाइल है आपने सेलेक्ट किया ना, आपने इसको ओपन किया, ठीक है? सो आपने भी क्या किया, आपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब वीएलसी प्लेयर के थ्रू अपनी हार्ड डिस्क में जाके एक वीडियो फाइल ओपन की, ठीक है? अब इससे हुआ क्या, आपके एप्लीकेशन मैनेजर यानी आपका VLC प्लेयर, इसने रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई देखो वो जो आपका आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर एक वीडियो फाइल है जिसका नाम है xyz.mp4, ओके? आई वांट टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल लेट द VLC प्लेयर स्टार्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो फाइल, ठीक है? तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको क्या करता है, अलग अलग तरीके के रिसोर्स भी प्रोवाइड करता है, also called as resource manager.
आई जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल कि भाई इसने हार्ड डिस्क को एक्सेस किया, कभी आईओ रिक्वायरमेंट अगर रहा, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट, आपने अगर पेन ड्राइव लगाया, आपने एक पेन ड्राइव लगाया ठीक है, तो उस पेन ड्राइव को भी एक्सेस करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेना पड़ेगी, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विल लेट यू एक्स विल गिव द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन ड्राइव ठीक है। तो सारे जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इन सारे रिसोर्स को मैनेज करके एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड इट प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ दैट। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, बार 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 ये चीजें रिपीट होंगी ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाई मैंने यहाँ पर कुछ लास्ट टाइम पॉइंट्स रखा था, एवरीवेयर यू कैन सी बिकॉज द एरा इज ऑफ कंप्यूटिंग एरा राइट नाउ द सिस्टम, और जितना भी हमारा भी एरा चल रहा है तो उसके अंदर एवरीवेयर यू कैन सी वी आर हैविंग, मतलब हर आदमी के पास कम से कम दो डिवाइसेस है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, लाइक उसके पास में एक तो मोबाइल है विच इज अ कंप्यूटिंग गैजेट, एंड हो सकता है कि उसके पास में स्मार्ट वॉच हो या उसके पास में और कोई गैजेट हो कि जिसको वो यूज कर रहा हो। अगर आजकल कार्स में भी ये सारी चीजें आ रही हैं ठीक है, तो कार्स के अंदर भी है तो कंप्यूटिंग गैजेट्स है, या अगर आपकी कार अगर IoT एनेबल्ड है तो वो भी फिर कंप्यूटिंग गैजेट्स के अंदर आ जाएंगी, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने अपने आस पास में एवरीवेयर यू विल सी यू विल फाइंड देर इज अ कंप्यूटिंग गैजेट, एंड इन दैट कंप्यूटिंग गैजेट यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो ठीक है। तो ऐसे आपको हर जगह फिर नमकीन मिले, सो पॉपुलैरिटी इतनी है और यूज इतना है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेबल होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले होना जरूरी है। सो यू नो बेसिकली वी हैव क्वेश्चन व्हाई व्हाई वी मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, सो फॉर दैट रीजन ओनली ओके। सो दिस एवरीवेयर यू कैन फाइंड अ कंप्यूटिंग गैजेट, सो फॉर दैट वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट्स व्हाई ease of management with the help of operating system, it will be very easy for us to manage the resources, it will be easy for us to manage the computer hardware okay, it will be easy for us to manage the hardware for that particular machine ठीक है। तो ease of management हो जाता है, then it also provide the services ठीक है, we'll see what are the different services which is being provided by operating system, तो सारी चीजें भी आना बाकी है, एक एक चीजें आती रहेंगी ना तो थोड़ा सा और आपका क्लियर होता रहेगा ठीक है। पॉइंट वेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीट एंड मेनी मोर ओके, सो यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पॉइंट वेयर योर हार्डवेयर एंड योर सॉफ्टवेयर मीट, एंड वी हैव लॉट ऑफ फंक्शंस आल्सो व्हिच आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू मैनेज योर हार्डवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो भाई साहब ये सारी चीजें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसके लिए भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है ठीक है। ये कोई मतलब अलग से पॉइंट नहीं था, बट जस्ट मैंने ऐसे आप लोग से डिस्कशन के लिए पॉइंट डाल के रखा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम ओके वन सेकेंड आई थिंक 47 हो गए आई थिंक ठीक है। चलो ये वाली हम लोग लास्ट स्लाइड एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आई थिंक अभी सामने आ गया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछता हूँ। एज यू कैन सी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ठीक है। इससे देखो आपका एक 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 सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सामने लिखा है इसके लिए आपको एक बार देख लो, एंड इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज एनी वन कैन आस्क यू आई थिंक। मुझे हाँ याद नहीं आया, अचानक मुझे एक दिन एक क्वेश्चन सामने आया, किसी ने पूछा तो आई थॉट कि ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट जब मैं उसका आंसर करने के लिए बैठा तो आंसर मैं नहीं उसका मैं प्रॉपर आंसर नहीं कर पाया, यहाँ वहाँ उसका मैं प्रॉपर। तो कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे सामने ही होती है बट उसका हम लोग आंसर प्रॉपर नहीं कर पाते। तो बेसिकली उसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बोलेंगे सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उसमें टाइप्स की क्या ज़रूरत है ठीक है। स्टिल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एज यू कैन सी, सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका OS, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, एडिटर, लोडर, ये सब के बारे में, OS के बारे में आप ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, और एक साल के बाद में ठीक 6 सेमेस्टर में यू हैव SPCC सब्जेक्ट, SPCC सब्जेक्ट दैट इज सिस्टम
प्रोसेसर कंपाइलर उसके अंदर सारी चीजें आती है। तो एसपीसीसी करके सब्जेक्ट है, उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर लोडर लिंकर सारी चीजें आती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है, वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एक है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक आई टोल्ड यू कि वी हैव एमएस वर्ड, वी हैव पावर पॉइंट, वी हैव पेंट। ओके, सो ऑल दीज आर नथिंग बट द एप्लीकेशन ओनली। आपके पास में एंड्रॉयड स्टूडियो है, आपके पास में एडोब एक्सडी है, आपके पास में जो भी है, आपके पास में यू हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन। सो ऑल दीज एप्लीकेशन कैन बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली इनका इनकी कैटेगरी अलग है। यू नो वी हैव डिवाइस ड्राइवर, वी हैव एंटीवायरसेस। तो पहले होता था, आजकल तो सारे के सारे आपके डिवाइसेस प्लग इन प्ले आते हैं। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू इंस्टॉल। अदरवाइज अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक अगर माउस भी लगाए तो माउस के भी ड्राइवर पहले इंस्टॉल करने पड़ते थे इन द अर्लियर डेज, और उसके बाद में फिर आप माउस को यूज कर पाते थे। लेकिन अब सारे ड्राइवर ऑलरेडी प्री लोडेड आते हैं, तो उसमें हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्कैनर लगाया, प्रिंटर लगाया, तो ये आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो अब इनको लगाने के बाद में इनके इनके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने होते हैं। हमारे लिनक्स के अंदर भी बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग को ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़े, बिकॉज पहले से काफ़ी सारे इसके अंदर डिपेंडेंसीज वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंडोज़ में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, अभी तो विंडोज़ वाला भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है, उसने भी काफ़ी ड्राइवर्स प्री लोडेड दिए हैं, तो यूनिवर्सल ड्राइवर्स होते हैं, तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड वी हैव काइंड ऑफ एंटीवायरसेस ऑल्सो। सो दोज एंटीवायरसेस ऑल्सो कम्स अंडर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दिस इज अगेन अ वाइवा क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज सिस्टम, सेकेंड इज एप्लीकेशन, थर्ड इज यूटिलिटी। ओके, तो आज के लिए इतना काफी। व्हाट वी हैव डन, जस्ट लेट अस रिवाइज इट। We have gone through the basics or the introduction part of the operating system. We have seen the definition that it acts as the interface between the user and the computer hardware. It also controls the execution of a application program या application software. ठीक है, तो application program के start to end को पूरा पूरे execution को वो control करता है। उसके बाद में it is also called as resource manager. And then उसके बाद में why we need operating system. सो वी हैव लॉट ऑफ रीजन, आई हैव जस्ट रिटन फ्यू ऑफ देम, बट वी हैव लॉट ऑफ आई थिंक अगर आपको भी बोला जाए तो आप लोग भी बहुत सारे रीजन आप बता सकते हैं वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, वाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लगाना चाहिए मुझे। एंड देन द लास्ट टॉपिक द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट वी हैव डिस्कस टूडे। टुमारो आई थिंक टुमारो वी हैव लेक्चर, सो विल कम विथ मोर मोर टॉपिक्स। ओके, एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। ओके, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ। किसी और का भी लेक्चर चलता रहेगा अभी, मतलब इसके इसके बाद में रहेगा। स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हेलो सर। यस यस।